फ्रेगमेंट्स एंड यूजेस। सो बेसिकली फ्रेगमेंट्स क्या होता है? फ्रेगमेंट्स एक रीयूजेबल क्लास है जिसका हम एक पोर्शन, एक पार्ट अपनी एक्टिविटी के अंदर यूज करते हैं। हम इस क्लास को ऐसा होल नहीं बल्कि अपनी एक बिल्ट इन क्लास, जैसे कि मेन एक्टिविटी की क्लास है, वो क्लास या उस एक्टिविटी के अंदर इसका पोर्शन इंप्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली ये डिफाइन करता है यूजर इंटरफेस के एक पार्ट को। सो फ्रेगमेंट मस्ट बी एम्बेडेड इन एक्टिविटीज। जैसा अभी हमने बात की कि ये एक्टिविटीज में एम्बेड होना चाहिए, ये अलग सी क्लासेज रन नहीं होती, ये एक्टिविटी का पोर्शन एज अ पोर्शन बनकर रन या इम्प्लीमेंट की जाती है। सो दे कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको डिफरेंट व्यू नजर आ रहे हैं। पहला टैबलेट का व्यू कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आइटम पे फ्रेगमेंट सेट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं इस आइटम को सेलेक्ट करूंगा तो एक मेरी एक फ्रेगमेंट बी को सेट कर देगी। जैसे देख रहे हैं कि मैंने एक्टिविटी ए में एक फ्रेगमेंट लगाया था ए, और एक फ्रेगमेंट लगाया हुआ था बी, और इस आइटम में मैंने रखा हुआ था कि जैसे ही इस आइटम को मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा फ्रेगमेंट नंबर जो बी है वो अपडेट हो जाएगा। सेम एज एक हैंडसेट में कि मैंने एक एक्टिविटी आइटम किया तो उसने एक एक्टिविटी मेरी बी को स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस ए पे लगाया, इस ए पे फ्रेगमेंट ए था, तो जैसे ही इस पे क्लिक किया तो फ्रेगमेंट ए चल पड़ा, और इसी तरह जैसी एक्टिविटी बी ए पे आया तो एक्टिविटी बी पे आके फ्रेगमेंट बी रन हो गया। सो अंडरस्टैंडिंग फ्रेगमेंट्स बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जिससे हमें ये ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि फ्रेगमेंट्स होते क्या, हमें उन्हें अंडरस्टैंड करने में ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो फ्रेगमेंट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सएमएल लेआउट एंड अ जावा क्लास मच लाइक एन एक्टिविटी। बेसिकली एक एक्टिविटी की तरह ही होती है, लेकिन ये एक एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि ये अलग से इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये भी एक कॉम्बिनेशन है एक एक्सएमएल लेआउट फाइल का और एक जावा फाइल का। सो यूजिंग द सपोर्ट लाइब्रेरी, जो बिल्ट इन एंड्रॉइड की लाइब्रेरीज है, हम फ्रेगमेंट को सपोर्ट करवा सकते हैं अपने तमाम एंड्रॉइड के वर्जन में। सो फ्रेगमेंट इनकैप्सुलेट व्यूज एंड लॉजिक सो दैट इज इजियर टू री यूज विद इन एक्टिविटी। इनकैप्सुलेट का मतलब है कि बेसिकली एक पैकेज बना लेते हैं जिसमें इनमें सारे व्यूज और सारे लॉजिक एम्बेड होते हैं, उस पैकेज में पैक होते हैं, और उस पैकेज को हम अपनी किसी भी एक्टिविटी में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो फ्रेगमेंट आर स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स दैट कंटेन व्यूज इवेंट्स एंड लॉजिक। ये बेसिकली एक स्टैंड अलोन एक सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी एक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक नहीं होते, हम इन्हें रिक्वायरमेंट की बेस पे अपनी एक्टिविटीज में यूज करते हैं। सो विद इन अ फ्रेगमेंट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जब हम फ्रेगमेंट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यूज करते हैं बेसिकली अपनी एक्टिविटीज में, जब हम फ्रेगमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक्टिविटीज जो है हमारी वो नेविगेशनल कंटेनर्स बन जाती हैं, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं नेविगेशन टू अदर एक्टिविटीज की। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव किस तरह करना है, ये बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और खाली मूव नहीं, उनपे फ्रेगमेंट या अदर डेटा किस तरह पास करना है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो अब है यहाँ के इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स। बेसिकली हमने देख लिया कि फ्रेगमेंट्स क्या होता है, हम किस क्यों यूज करेंगे, उसका फायदा क्या, लेकिन अब फायदा बेसिकली देखेंगे कि हम उसे यूज कर ही क्यों रहे हैं, हमारा फायदा क्या हो रहा है फ्रेगमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने का। तो जो मोस्ट मेनी यूज केसेस है फ्रेगमेंट के, जो मोस्ट कॉमन है, वो है हमारे पास के री यूजिंग व्यूज एंड लॉजिक कंपोनेंट। जैसे हमने बात की कि एक पैकेज है, एक इनकैप्सुलेट कर लेता है व्यूज और लॉजिक को अपने अंदर, तो बेसिकली वो एक रीयूज पैकेज बन जाता है, हम उस पैकेज को किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी क्लास में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यूजिंग द सेम लिस्ट अक्रॉस डिफरेंट डेटा सोर्स विद इन एन ऐप, एक ही ऐप में रह गए मल्टीपल जगह एक ही पैकेज को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है इसमें टेबल सपोर्ट, टैबलेट सपोर्ट। सो ऑफन विद इन ऐप द टैबलेट वर्जन ऑफ एन एक्टिविटी हैज अ सब्सटेंटली डिफरेंट लेआउट फ्रॉम फोन वर्जन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द टीवी वर्जन। अब जैसे हमने बात की थी स्क्रीन लेआउट की या स्क्रीन साइजेस की, तो जो फोन का एक स्क्रीन का साइज होता है वो टैबलेट से डिफरेंट होता है, और इसी तरह जो टीवी वेयर का स्क्रीन का साइज होगा तो वो हमारे टैबलेट वर्जन से चेंज होगा। तो फ्रेगमेंट बेसिकली हमें इनेबल कर देता है डिवाइस स्पेसिफिक एक्टिविटी कि जिसे हम रीयूज कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स अपनी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को सपोर्ट करवाने के लिए। थर्ड है हमारा स्क्रीन ओरिएंटेशन। बेसिकली हमने बात की थी कि जब हम स्क्रीन का पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड चूज करता है यूजर अपनी मसल से, कि फॉर एग्जांपल एक गेम पोर्ट्रेट मोड में डिजाइन की थी लेकिन यूजर अब उसे लैंडस्केप मोड में खेलना चाह रहा है, तो हमारे पास जो फ्रेगमेंट है वो दोनों ओरिएंटेशन के लिए भी रीयूज शेड एलिमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जो दोनों डिफरेंट होते हैं और दोनों तरह की ओरिएंटेशन को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो अब बात आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग योर कोड। सो विद इन अ फ्रेगमेंट हैवी ऐप, जब भी हम फ्रेगमेंट अपनी ऐप में इम्बेड करते हैं वो एक हैवी ऐप बन जाती है। सो हमें रिमेम्बर करनी पड़ेगी ये चीज कि हमें अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बेस्ट आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस, कि जिस तरह से उसकी लाइफ साइकिल डिफाइन हुई है हम उसी तरह उसके फंक्शंस को यूज करें, बिल्ड करें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस फंक्शन का क्या मतलब है और उसको किस सिनेरियो में हम यूज करेंगे। सो इनसाइड एन ऐप व्हिच यूज फ्रेगमेंट एक्सटेंसिवली वी नीड टू कीप इन माइंड द रोल ऑफ एन एक्टिविटी शिफ्ट,
कि ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर फ्रेगमेंट्स एक लार्ज अमाउंट में, एक ह्यूज अमाउंट में यूज हुए, हमें ये बात अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि एक्टिविटी अपना रोल शिफ्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। सो एक्टिविटी और नेविगेशन कंट्रोलर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हो, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नेविगेशन टू अदर एक्टिविटीज थ्रू इंटेंट। इसी तरह जो नेविगेशनल कंपोनेंट्स उनको प्रेजेंट करता है, जैसे कि नेविगेशन ड्रॉअर है या हमारे पास व्यू पेजर है, सेम एज वो हाइड या शो करता है हमारे रिलेटिव फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट मैनेजर की मदद से कि इस वक्त कौन सा मैनेजर यूजर को स्क्रीन पे दिखाना है, कौन सा हाइड करना है, ये सब काम फ्रेगमेंट मैनेजर की हेल्प से हमारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एंड सेम एज जब सेंड डेटा करता है यूजिंग इंटेंट, तो जो रिसीव हो रहा है डेटा इंटेंट और जो कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन फ्रेगमेंट, उस चीज को भी हैंडल करना है एक्टिविटीज का काम है। सो फ्रेगमेंट्स आर कॉन्टेंट कंट्रोलर एंड कंटेन मोस्ट व्यूज लेआउट एंड इवेंट लॉजिक इंक्लूडिंग। बेसिकली हमारे कंटेंट कंट्रोलर्स भी होते हैं जिसमें हमारे व्यूज लेआउट्स या लॉजिक्स भी इंक्लूड होते हैं। सो लेआउट्स एंड व्यूज डिस्प्लेइंग रेलिवेंट ऐप कंटेंट, मतलब इस ऐप के कंटेंट से रिलेटेड हमें लेआउट्स या व्यू का डिस्प्ले करवाना। इसी तरह इवेंट हैंडलिंग लॉजिक को हैंडल करना, मैनेजमेंट लॉजिक को हैंडल करना, ट्रिगर करना अगर कोई नेटवर्क की रिक्वेस्ट है आपके एप्लीकेशन में तो उस रिक्वेस्ट को ट्रिगर करना टू क्लाइंट ऑब्जेक्ट, सेम एज रिट्रीवल या स्टोरेज ऑफ डेटा को हैंडल करना, और इसी तरह रीआइट्रेट करना अगर किसी एक कंडीशन को आपने मल्टीपल टाइम चलाना है तो वो काम करना भी कंट्रोल कंटेंट कंट्रोलर या फ्रेगमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अब इसका यूजेज देखते हैं कि सबसे पहले डिफाइन का फ्रेम फ्रेगमेंट, हमें सबसे पहले एक फ्रेगमेंट को डिफाइन करना पड़ता है। बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसका एक एग्जाम्पल लेआउट होगा और एक जावा क्लास ही होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी फ्रेगमेंट कंट्रोलर को, क्योंकि क्लासेस हमारी फ्रेगमेंट से एक्सटेंड हुई होती है। सो जो एक्सएमएल लेआउट इसका बनता है वो नॉर्मली अदर लेआउट की तरह बनता है, लेकिन इसको हम नाम देते हैं फ्रेगमेंट अंडरस्कोर फू डॉट एक्सएमएल। बेसिकली इसको ऐसे पार्शियल रीयूजेबल एक्टिविटी के तौर पे कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी बनाई, ये हमारी सिंपल एक्टिविटी जैसे हम बनाते हैं कि क्लीन लेआउट एक्टिविटी है, उसी तरह इसमें एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन है। सो अब जब बात आती है कि जावा कंट्रोलर फॉर अ फ्रेगमेंट लुक लाइक, अब जावा कंट्रोलर किस तरह का लगेगा कि ये हमारी फू फ्रेगमेंट की क्लास जो कि फ्रेगमेंट को एक्सटेंड कर रही है, इसमें एक फंक्शन ऑन क्रिएट व्यू का बनाएंगे हम जिसमें मल्टीपल आर्गुमेंट पास होंगे, जैसे कि लेआउट इन्फ्लेटर है, व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट है और इसी तरह बंडल का एक ऑब्जेक्ट है सेव इंस्टेंट स्टेट के नाम से, और इसमें जो एक्सएमएल फाइल से डेटा हम लाएंगे वो इसके थ्रू लाएंगे कि रिटर्न डॉट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और उसमें आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट फू जो नाम हमने सेट किया होगा, इसी तरह उसका पेरेंट और कॉन्टेंट फॉल्स सेट कर देंगे। सेम एज एक और यहाँ पे फंक्शन है जिसमें व्यू का और बंडल का ऑब्जेक्ट पास है, इसमें हम फॉर एग्जाम्पल एडिट एक्से के डेटा जो बाहर से यूजर इनपुट करेगा वो डेटा इस एडिट फील्ड के थ्रू लेकर आएंगे और वो इस फंक्शन में हमारे कॉल होगा। सो एम्बेडिंग अ फ्रेगमेंट इनटू एन एक्टिविटी, अब एम्बेड करेंगे, बेसिकली टू वेज है हमारे पास एम्बेड करने के, डायनामिकली यूजिंग जावा या स्टेटिकली यूजिंग एग्जाम्पल, या तो हम जावा की क्लास के थ्रू एम्बेड कर दें या हम स्टेटिकली उसको एग्जाम्पल फाइल के थ्रू ही एम्बेड कर दें। बिफोर एम्बेडिंग अ सपोर्ट फ्रेगमेंट in an activity make sure that activity is changed to extend from fragment activity or app compact activity. So basically हमने बात की थी कि जब भी हमने fragment को use करना होगा हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो activity या class file है वो fragment activity या app contact activity से extend हुई हो, जो कि हमें support दे देती है fragment manager का ताकि हम उसे अपने android के versions में use कर सकें। अब यहाँ पे मैंने एक import की android की app compact activity, इसी तरह में फ्रेगमेंट एक्टिविटी का भी एक यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा सकता हूँ। इसी तरह एक्सटेंड है यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, अभी लास्ट में हमने देखा था कि इसी तरह हम इसका एक्सटेंड भी करवा सकते हैं फ्रेगमेंट से। सो स्टैटिकली अब देखते हैं स्टैटिकली किस तरह लिखते हैं, तो जब हमने स्टैटिकली करना होगा हम लेआउट में जाके किस तरह लिखेंगे कि हम यहाँ पे एंड्रॉइड में नेम पास कर देंगे कि किस फ्रेगमेंट को आपने कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्रेगमेंट की क्लास बनाई थी जिसका पाथ था कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एंड्रॉइड डॉट फू फ्रेगमेंट, अब इस फ्रेगमेंट को पता है कि जब मैंने रन होना है मैंने इस फू फ्रेगमेंट की क्लास को एम्बेड करना है इम्प्लीमेंट करना है अपने इस प्लेस पे। सो हम एक क्विक लिख देखते हैं, हम एक एप्लीकेशन बनेंगे फ्रेगमेंट की जिसमें हमारे पास दो फ्रेगमेंट हो गए, जैसे कि आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि एक फ्रेगमेंट वन है और एक फ्रेगमेंट टू है, हम इन्हें स्टैटिकली बुलाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से, यहाँ पे मैंने पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है। आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, सो हमें इस चीज की कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमने जैसे दो फ्रेगमेंट्स यूज करने थे, हम दो फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, बेसिकली हम अपनी उसमें ऐप में ही जाके न्यू दो एक्टिविटीज बना लेते हैं, तो वो ऑलरेडी उन्हें हमारे डिजायर लोकेशन पे सेव कर देगा। तो मैं एक एक्टिविटी बना देता हूँ पहले एम्प्टी एक्टिविटी जिसका नाम मैं रख देता हूँ फ्रेगमेंट वन, और इसी तरह एक एक्टिविटी बना देता हूँ
जिसका नाम मैं रख दूंगा फ्रेगमेंट टू। सो फ्रेगमेंट वन नाम रख दिया और इसी तरह मैं इसकी एक्टिविटी का नाम भी सेट कर दूंगा। सो मैं इसका नाम खाली फ्रेगमेंट वन सेट कर देता हूँ, तो इसी तरह इसकी एक्टिविटी अंडरस्कोर फ्रेगमेंट वन की क्लास एक्सएमएल क्लास भी बन जाएगी। सो इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। इसी तरह मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाऊंगा फ्रेगमेंट टू के नाम से, क्योंकि हमने बात की थी कि हम दो फ्रेगमेंट दिखाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो इसी तरह मैं एक ऐप में जाके एक और एक्टिविटी बना लेता हूँ फ्रेगमेंट टू के नाम से। ये भी एक एम्प्टी एक्टिविटी है क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ऐसे रेडी नहीं, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो जैसे ही ग्रेडल बिल्ड हो गया हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। हम उसी तरह ऐप में जाके अपनी न्यू एक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे आ गए, एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ फ्रेगमेंट टू, जैसे हमने बात की थी अपने लेक्चर में। सो यहाँ पे मेरे पास फ्रेगमेंट वन और फ्रेगमेंट टू की एक्सएमएल और जावा फाइल भी बन चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेगमेंट टू की एक्सएमएल है और ये फ्रेगमेंट वन की एक्सएमएल है। अब मैं अपनी मेन फ्रेगमेंट में मैंने लीनियर लेआउट बाय डिफॉल्ट यूज किया, यहाँ पे मैं दो फ्रेगमेंट डिजाइन करने लगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसके ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स में मिल जाएंगे और हम इसको यूजिंग कोड भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ फ्रेगमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें मेरे पास इसकी, तो मैं इसकी विड्थ को फॉर एग्जाम्पल 0 पिक्सल सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि विड्थ वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। और इसी तरह मैं इसकी हाइट को एडजस्ट कर देता हूँ मैच पेरेंट के हिसाब से। सेमीकॉलन से स्टेटमेंट सेपरेट, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे दोनों इसकी सेपरेट कर दी है। उससे पहले हमारे पास एंड्रॉयड में एक आईडी, बेसिकली ये हमें भी बता रहे हैं, हम इसकी यहाँ पे एंड्रॉयड में इसकी आईडी एक सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसकी एक आईडी है जो कि हमारे पास यहाँ पे हम इसकी एक आईडी सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रख दी प्लस आईडी स्लैश, मैं इसकी आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ फ्रेगमेंट वन। यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट वन सेट कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे इसका एक नेम, क्योंकि हमने बात की थी हम स्टैटिक बनाएंगे, तो हम एंड्रॉयड में एंड्रॉयड नेम इक्वल टू दिस, और इसमें मैं यहां से इसका नाम लेता हूँ कि इसने फाइल को नाम क्या बना के दिया। तो इसने मुझे बना के दिए com.home.zoe.myfirstapplication। ये हमारे पास उसका था। हम इसी तरह हम एग्जाम्पल में जाके जो हमारी फ्रेगमेंट का बना है हम उसका पाथ सेट करके ले आएंगे। हम देखते हैं हमारे फ्रेगमेंट का क्या पाथ बना है। तो उसे हम देख लेते हैं हमारी एक्टिविटी फाइल में कि यहाँ पे ये हमारे फ्रेगमेंट वन का पाथ है। तो हम फ्रेगमेंट वन का पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके नेम है वो वाला फ्रेगमेंट वन का पाथ प्लेस कर दिया। इसी तरह विड्थ है हमारे पास, विड्थ को भी इनिशियली हम फिडल पेरेंट या कर देते हैं, हमने हाइट सेट कर दी इनिशियली। और एक चीज हम और सेट करेंगे इसका एंड्रॉयड में लेआउट का वेट, ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, आप इसे करना चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट की बेस पे इसे कर सकते हैं। जो इनिशियली मैंने वेट रख दिया 1 और ये मैंने अपना फ्रेगमेंट क्लोज कर दिया, यहाँ पे मेरा एक फ्रेगमेंट क्लोज हो गया। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करके एक और फ्रेगमेंट बना लेता हूँ अपना, क्योंकि हमने बात की थी हम दो फ्रेगमेंट बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे दो फ्रेगमेंट बना दिए। सो यहाँ पे हम डिफरेंट आईडीज के साथ दो फ्रेगमेंट, और यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंट टू था। तो यहाँ मैंने अपनी मेन एग्जाम्पल फाइल में जाके दो फ्रेगमेंट बना दिए थे। अब जैसे हमने स्क्रीन पे लिखा था कि हमारे फ्रेगमेंट की जो बेसिकली क्लास थी उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू था एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल फाइल्स में, तो हम यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट में रहते हुए सिर्फ इसमें दो टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ताकि हम उस पर अपना मैसेज दिखा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया, इसी तरह मैं एक टेक्स्ट व्यू लाके प्लेस कर दूंगा। मैं इसको इनिशियली आईडिया वगैरह सच कुछ भी नहीं दे रहा, इसे ऐसे ही मैंने टेक्स्ट व्यू सेट कर दिया। और इसी तरह मैं अपने एग्जाम्पल टू वाली फाइल में भी एक टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर दूंगा। सो मैंने इसको यहाँ पे समवेयर प्लेस कर दिया। अब बात आती है हमारी फ्रेगमेंट वाली क्लास में कि अब हम फ्रेगमेंट वाली क्लास इनको बुलाएंगे कैसे। सो इस बार हम काम अपनी मेन एक्टिविटी वाली जावा फाइल में कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही नॉर्मल फाइल रहने देंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि हम इसे स्टैटिकली बुला रहे हैं यूजिंग एग्जाम्पल। तो हम डायरेक्टली इनकी फाइल्स में जाएंगे और इसकी फाइल में जाके जैसे हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास एक फंक्शन होता, इस फंक्शन के बाद ऑन क्रिएट के बाद हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ओवरराइड टाइप का है, तो हम पहले उसे ओवरराइड कर लेते हैं। और फिर हमने बात की थी कि हमारे पास एक फंक्शन है पब्लिक जो कि व्यू टाइप का एक फंक्शन है हमारा जिसका नाम है ऑन क्रिएट व्यू। यहाँ हम व्यू की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं, मैंने व्यू की लाइब्रेरी को मैं इम्पोर्ट कर ली।
और इसमें जो आर्गुमेंट हम पास होते वो हमारे थे, हमारे पास तीन लेआउट थे जो यहाँ पे, तीन आर्गुमेंट थे जो यहाँ पे पास होते। नंबर वन जो था वो लेआउट इन्फ्लेटर था, हम पहले लेआउट इन्फ्लेटर कर लेते हैं। तो लेआउट इन्फ्लेटर जिसका फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया इन्फ्लेटर के नाम से, एक ऑब्जेक्ट बना दिया कॉमा। दूसरा था मेरे पास व्यू ग्रुप का एक वेरिएबल जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने कंटेनर रख दिया। एंड थर्ड हमारे पास एक था बंडल टाइप का ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बना दिए जो कि हमें रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैंने इनकी क्लास डेफिनेशन, हमने यहाँ पे इसका सेव्ड इंस्टेंस स्टेट बना दिया, और यहाँ निकल के मैंने इसकी क्लास डेफिनेशन को स्टार्ट कर दिया। सो अब हम देखते हैं फर्दर आगे कि इसमें हमने पास क्या करना है। हमने जैसे देखा था कि इसमें हम एक चीज पास करते हैं रिटर्न, जिसमें हम इन्फ्लेटर टाइप का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको इन्फ्लेट करेंगे, और इन्फ्लेट में हम जो पास करते कि हमारा आर डॉट ले आउट, हमारा जो ले आउट है उसका नाम जो भी था, फॉर एग्जाम्पल हमारे हमारा पहला नाम था एक्टिविटी फ्रेगमेंट वन, तो कॉमा उसका कंटेनर, और बाय डिफॉल्ट उसका जो पेरेंट मैसेज था वो हमने रूट मैसेज उसको फॉल्स सेट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑन क्रिएट व्यू का मेथड बन चुका है। सेम एज मैं यहाँ पे इसी तरह इसी के फंक्शन को कॉपी करके मैं अपनी फ्रेगमेंट टू वाली क्लास में भी जाके इसे सेट कर दूंगा, और हमारी फ्रेगमेंट टू की क्लास भी इसी तरह सेट हो जाएगी और वो लाइब्रेरीज में इम्पोर्ट हो गई। लेकिन अब यहाँ पे जो है मेरे पास फ्रेगमेंट टू है, मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट टू कर दिया। सो अब वो कह रहा है मेथड इज नॉट ओवरराइड फ्रॉम ए सुपर क्लास, सो बेसिकली हमने इसे सुपर क्लास से ओवरराइड नहीं करना। सो इसी तरह हम जो इसकी एक्सएमएल फाइल में हमने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट रहने दिया था, हम उन्हें जाके फ्रेम लेआउट बना देते हैं ताकि वहां पे जो हमारा डेटा शो होगा वो हमें एक फ्रेम की फॉर्म में शो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी मैंने फ्रेम लेआउट कर दिया, और इसी तरह इस टेक्स्ट व्यू वन में भी जाके मैंने फ्रेम लेआउट सेट कर दिया इनिशियली। अब क्या होगा जब मेरी एप्लीकेशन ये वाली रन होगी तो वो यहाँ पे मेरे जो दो फ्रेगमेंट्स हैं इनको लोड करेगी। मैंने दोनों के नाम सेट कर दिए क्योंकि मैंने स्टैटिकली कॉल कर रहा हूँ, तो ये अपनी डिफाइन क्लासेस पे जो कि नेम मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिए ये उन नेम्स पे जाके अपनी एक्टिविटीज को कॉल कर लेगी। अब जब ये एक्टिविटी वन पे जाएगा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैंने बाय डिफॉल्ट कोई मैसेज नहीं लिखा, हम यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज सेट कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी टू है जिसमें भी इसी तरह एक टेक्स्ट व्यू है जो अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे मैंने इनके ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन बना दिए कि जैसे ही क्लासेस लोड होंगे इनके ऑन क्रिएट व्यू के फंक्शन कॉल हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है कि हम फ्रेगमेंट अपनी एक्टिविटीज में किस तरह डिफाइन करेंगे और किस तरह उन्हें यूज करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।